दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा दो मिड रेंज स्मार्टफोनों के अंदर। एक होगी आपका सैमसंग गैलेक्सी A54 5G एंड दूसरा मोटोरोला एज 40 5G। सो दोनों फोन ही आप लोगों को आज का दिन में ऑनलाइन अगर आप परचेस करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा विद इन 30,000। तो एक ही प्राइस पे आप लोगों को दोनों फोन आप लोगों को आज का डेट में मिल रहा है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दूर से तो आप लोगों का कुछ एक टाइप का नजर आएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो सारा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सारा फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के सामने रखते हैं और वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आज का डेट में अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, इन दोनों में से एक को चूज करना है तो किसकी तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। तो जरूर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G एंड मोटोरोला एज 40। सो दोनों में बहुत सारा अंतर है और बहुत सारा डिफरेंसेस भी है, बहुत सारा सिमिलरिटीज भी है। तो दोनों को अगर आज का डेट में खरीदना चाहोगे ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट या किसी भी जगह पे तो आप लोगों को 30,000 के अंदर एक ही प्राइस में दोनों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कलर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A54 यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली दो कलर मिलता है, तो मेटियर ब्लू एंड स्टरडस्ट सिल्वर। तो स्टरडस्ट सिल्वर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखेगा, आपका जो लुक है फोन का अच्छी तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। नेक्स्ट अगर मोटोरोला एज 40 की बात करें, कलर की बात करें, यहाँ पे देखिए चार कलर वेरियंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एक हो गया ब्लैक, सेकंड ग्रीन, फोर्थ थर्ड हो गया आपका ब्लू एंड फोर्थ मैजेंटा। सो इस तरीके से आप लोग कलर को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर साइज एंड वेट की बात करें तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक साइड। तो प्लास्टिक का ही बना हुआ फ्रेम एंड बैक साइड दोनों प्लास्टिक का ही मिलेगा। एंड मोटोरोला एज 40 यहाँ पे आप लोगों को मेटल फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक आप लोगों को मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी मेटल फ्रेम अच्छा होता है। तो नेक्स्ट अगर हाइट विथ एंड थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फर्क नजर आएगा। जैसे सैमसंग गैलेक्सी A54 यहाँ पे आप लोगों को हाइट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 164.9 mm। नेक्स्ट विड्थ आप लोगों को मिल जाएगा 77.3 mm। नेक्स्ट थिकनेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 8.4 mm। नेक्स्ट मोटोरोला एज 40 अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 158.43 mm। नेक्स्ट विड्थ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 71.99 mm एंड थिकनेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 7.58 mm। तो अगर डायमेंशन की देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा हाइट एंड विड्थ आप लोगों को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A54 5G में। और थिकनेस की बात करें तो मोटोरोला एज 40 थोड़ा स्लिम है। नेक्स्ट अगर वजन की बात करें, वेट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G का टोटल वेट आप लोगों को आ जाएगा 199 ग्राम, विच इज 200 ग्राम से नीचे, तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर मोटोरोला एज 40 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 167 to 171 ग्राम आप लोगों को, क्योंकि कलर वाइज थोड़ा यहाँ पे वेट का वेरिएशन है, तो आप लोग मैक्सिमम आप ले सकते हो 171 ग्राम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेट को कंपेयर करोगे तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 30-30 ग्राम का यहाँ पे फर्क है। तो अगर आपको लाइट फोन चाहिए तो जरूर आपको, अगर कॉन्फ़िगरेशन पसंद आए तो जरूर आपको लेना चाहिए मोटोरोला एज 40। सो दिस इज क्वाइट लाइट। तो नेक्स्ट अगर स्टोरेज की बात करें तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 8GB RAM एंड 256GB ROM LPDDR4X यहाँ पे आपको रैम क्वालिटी मिल जाएगा और UFS 2.2 स्टोरेज क्वालिटी आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसका जो इंटरनल स्टोरेज है इसको आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 1 TB। नेक्स्ट अगर मोटोरोला एज 40 को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को सेम कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा 8GB एंड 256GB। नेक्स्ट मोटोरोला एज 40 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 8GB 256GB यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन सेम ही मिल जाएगा। दोनों का जो रैम एंड रोम की कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, यहाँ पर भी आप लोगों को LPDDR4X रैम मिलता है बट यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट और भी कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को हाइब्रिड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है और मोटो एज 40 यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आप लोगों को नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंच होल टाइप का कैमरा होल डिस्प्ले एंड रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2400x1080 पिक्सल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पे 85% के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है 120Hz और ब्राइटनेस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा अप टू 800 nits पीक ब्राइटनेस आप लोगों को मिल जाएगा। 393 यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी भी आप लोगों को मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, सो दिस इज वेरी नाइस। और अगर मोटो एज 40 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन साइज मिलता है 6.55 इंच फुल HD प्लस OLED आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, पंच होल डिस्प्ले मिलता है, रिजोल्यूशन सेम मिलता है एज यूजुअल 2400x1080 पिक्सल। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट
92% यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 144 हर्ज रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिल जाएगा। टच सैम्पलिंग रेट तो 360 है। नेक्स्ट ब्राइटनेस आप लोगों को यहाँ पे 1200 निट्स ब्राइटनेस आप लोगों को मिल जाएगा। 402 PPI पिक्सल डेंसिटी एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट एंड इस टाइप का सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारा कुछ अगर आप मिला लोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले, कंपेरेटिवली बड़ा डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A54 यहाँ पे। नेक्स्ट अगर पंचल डिस्प्ले दोनों में ही सेम है तो रिजोल्यूशन सेम है यहाँ पे, तो रिफ्रेश रेट को कंपेयर करें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा मोटोरोला H40 में, क्योंकि यहाँ पे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ब्राइटनेस भी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ब्राइटनेस भी आप लोगों को मोटो H40 में ज़्यादा मिलेगा एंड यहाँ पे HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। सो HD कंटेंट आप ऑनलाइन आप आसानी से एंजॉय कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर कैमरे की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल रेयर कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा। एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जहाँ पे आप लोगों को एपर्चर मिल जाएगा 1.8 विद OIS सपोर्ट। नेक्स्ट एक 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा जहाँ पे आप लोगों को एपर्चर आप लोगों को मिल जाएगा 2.2 एंड 2 मेगापिक्सल का और एक छोटा सा कैमरा है यहाँ पे, और डिजिटल जूम एज यूजुअल यहाँ पे 10x मिल जाएगा। मोटोरोला H40 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर डुअल कैमरा आप लोगों को मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा जहाँ पे आप लोगों को फुल OIS का सपोर्ट मिलता है और एपर्चर आप लोगों को मिल जाएगा 1.4। नेक्स्ट है और एक कैमरा है जिसको कहते हैं 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल, बेसिकली वाइड एंगल कैमरा, तो यहाँ पे F2.2 एपर्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो देखिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A54 एंड मोटोरोला H40 दोनों में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा यहाँ पे फर्क है। सैमसंग गैलेक्सी A44 इसका जो फ्रंट कैमरा यहाँ पे आप लोगों को एपर्चर मिल जाएगा F2.2। मोटोरोला H40 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सेम 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बट यहाँ पे F2.4 एपर्चर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोनों में आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे तो रियर कैमरे को यूज़ करके अल्ट्रा HD एंड 4K आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और सेल्फी कैमरे से 4K अल्ट्रा HD तक दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो दोनों का रिकॉर्डिंग क्वालिटी मोर और लेस सेमी टाइप का होगा। नेक्स्ट प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोसेसर मिलता है जिसका नाम है सैमसंग एक्जीनोस 1380 विच इज ऑक्टाकोर प्रोसेसर एंड यहाँ पे 5nm प्रोसेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 2.4 GHz आप लोगों को स्पीड मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मोटोरोला H40 यहाँ पे आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 एक प्रोसेसर मिलता है विच इज ऑल्सो ऑक्टाकोर एंड यहाँ पे 6nm प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड की बात करें तो देखिए मोटोरोला H40 यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर स्पीड आप लोगों को फार बेटर मिलेगा 2.6 GHz। सो अगर प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो मोटोरोला H40 बहुत ही आगे है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोनों में आप लोगों को एंड्रॉइड 13 का यहाँ पे साथ दिया गया है, एंड्रॉइड 13 एज ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो दोनों फोनों में देखिए अच्छा खासा बैटरी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी A54 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 6000 मिली एम्पेयर का बैटरी, और मोटोरोला H40 यहाँ पे मिलता है आप लोगों को 4400 मिली एम्पेयर का बैटरी। पर यहाँ पे खत्म नहीं है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, पर बॉक्स के अंदर कोई चार्जर नहीं मिलेगा, आपको बाजार से खरीदना होगा। नेक्स्ट अगर मोटोरोला H40 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4400 मिली एम्पेयर बैटरी तो साथ में है, और उसके साथ साथ अंदर पैकेट के अंदर और यहाँ पे एक चार्जर भी है, तो एक टर्बो चार्जर आप लोगों को मिल जाएगा 68 वाट का एक चार्जर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 15 वाट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। सो आई थिंक चार्जिंग के मामले में मोटोरोला H40 बहुत ही आगे है। नेक्स्ट अगर बायोमेट्रिक्स की बात करते तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड मोटोरोला H40 यहाँ पे ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट सेलुलर नेटवर्क की बात करते तो देखिए दोनों फोन ही 5G नेटवर्क फोन है और 5G नेटवर्क सपोर्टेड फोन है, पर यहाँ पे कुछ फर्क है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, और मोटोरोला H40 इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए डुअल सिम का सपोर्ट तो है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग 1eSIM भी यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 USB इंटरफेस USB टाइप सी एयरफोन जैक आप लोगों को USB टाइप सी मिलेगा, 3.5mm कोई ऑडियो जैक फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। वाईफाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए डुअल बैंड वाईफाई 2.4 एंड 5 GHz यहाँ पे आप लोगों को वाईफाई 6 मिल जाएगा, NFC भी यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर मोटोरोला H40 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.2 USB टाइप सी का यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे कोई 3.5 वगैरह कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं, वाईफाई 6 मिलता है जहाँ पे 2.4 एंड 5 GHz का प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर भी आप लोगों को NFC है। सो दोनों फोनों में आप लोगों को NFC मिल जाएगा, सो दिस इज क्वाइट मोर और लेस सेम ही दिखता है कनेक्टिविटी के मामले में। नेक्स्ट अगर मल्टीमीडिया सपोर्ट की बात करते देखिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यहाँ पे आप लोगों को मोनो स्पीकर मिलता है, स्टूडियो स्पीकर नहीं मिलता है।
मोटोरोला एज 40 की बात करें यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटम का सपोर्ट है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते देखिए सैमसंग गैलेक्सी ने यहाँ पे आप लोगों को सबको प्रॉमिस किया है 4 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडेशन एंड 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। तो मोटोरोला भी कुछ पीछे नहीं है, ज़्यादा कुछ पीछे नहीं है मोटोरोला। अकॉर्डिंग टू मोटोरोला कंपनी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखिए आप लोगों को फ्री अपग्रेडेशन मिलेगा और 3 साल का यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। और मोटोरोला एज 40 यहाँ पे आप लोगों को IP68 वाटर प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो यही था सारा कुछ, तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो था। तो चलिए अभी मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा फोन को आज का दिन में लेना चाहिए, क्योंकि दोनों फोन का प्राइस सेम है और यहाँ पे दिखने में भी दोनों फोन अट्रैक्टिव लुक आप लोगों को देख देगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्स की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोटोरोला एज 40 की बात करें, यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में किसी पे भी नहीं होता, किसी पे भी नहीं है। तो एक्चुअली कंपनी को देना चाहिए था क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। और सेकंड यहाँ पे एक फैक्टर है, जैसे मोटोरोला एज 40 यहाँ पे आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो जिसको ज्यादा मेमोरी चाहिए वो कुछ नहीं कर सकता है। सो मेमोरी एक्सपेंडेबल फैसिलिटी भी रखना चाहिए था। सैमसंग F54 5G इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोग मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 1 TB एंड यहाँ पे 190 ग्राम वेट भी है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि हाथों में थोड़ा भारी वजन ज्यादा आ रहा है, पर ऐसा कुछ बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर पाओगे। सो अगर लुक पसंद आए तो देखिए दोनों फोनों का दोनों यूटिलाइजेशन दोनों टाइप का है। आप लोग गेमिंग करना चाहोगे तो दोनों में किसी पर भी आराम से गेमिंग कर सकते हो। अच्छा खासा आप लोगों को कैमरा दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। प्रोसेसर भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत सारा कलर्स भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले तो बहुत सारे यहाँ पे यूनिक फीचर्स है दोनों में। तो अगर आप यहाँ पे देखिए गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आप लोगों को सैमसंग के कैमरे में सैमसंग के डिस्प्ले में आप लोगों को मिल जाएगा। और उल्टा तरफ यहाँ पे मोटोरोला एज 40 में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा HDR10+ का सपोर्ट। सो आई थिंक दोनों फोन ही किसी से कोई खराब नहीं है, तो किसी को भी आप लोग ले सकते हो क्योंकि न्यू जनरेशन दोनों फोन है यहाँ पे। सो आई थिंक किसी को भी आप ले लीजिए, आप पहले लुक देखिए, आपका लुक अगर पसंद आए तो किसी को भी आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।